हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11:11 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी पर, और साथ में जो गाने मुझे चैनल हुए थे, दो गाने डीएम के एनर्जी के लिए, उसका लिंक भी कमेंट में मैं दे दूँगी, आप उसे देख लेना, ठीक है। ये रीडिंग कलेक्टिव की रहेंगी, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो या ना हो, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, हमारा आने वाला फुल मून है 4 तारीख को। ये फुल मून की एनर्जी बहुत इंटेंस है और बहुत सारे लोग अभी से पिक कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंज लेके ये आया है। थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा हेवी भी है। तो इसका असर जैसे कलेक्टिव में है, मतलब डीएम पर भी है और डीएफ पर भी है। तो जैसे फेमिनाइन इस टाइम एनर्जी को पिक कर रही है, उनके लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, उसी तरह से डीएम के लाइफ में भी बहुत सारे अलग अलग चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे अच्छा ये है कि बहुत सारे डीएम अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी है, बहुत हेवी एनर्जी है। आज कुछ ज़्यादा ही मुझे हेवी लग रहा था, इसलिए मैं ये डीएम की रीडिंग इसी कारण से कर रही हूँ। इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं, कुछ तो भी उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जो जिससे वो ब्रेक हो चुके हैं, और उसी रीज़न से अपनी फेमिनाइन को वो याद कर रहे हैं। मतलब उनके लाइफ में जब पेन बढ़ जाता है, तब सबसे पहला थॉट उनके दिमाग में आता है, जो होता है डिवाइन फेमिनाइन। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे सेपरेशन में हैं, चाहे कितना भी लंबा आपका सेपरेशन क्यों ना हो, तो टूटा हुआ है, सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है। समझ नहीं आ रहा है उनको कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, ठीक है। क्योंकि दिल उनका इस टाइम आप ही के बारे में, कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहा है, जैसे आपके दिमाग में डीएम रहते थे। जैसे फेमिनाइन जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहती है, बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी में रहती है, तो उस टाइम डीएम उनके दिमाग में 24 घंटे चलते हैं। उसी प्रकार से अब डीएम के दिमाग में हमारी फेमिनाइन इस टाइम चल रही है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है, इरिटेट हो रहा है। उनको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम इस टाइम आपको मिरर भी करेंगे। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन है, आप भी इरिटेट हो रहे हो, आपको पता ही नहीं कि क्या चूज़ करना है, तो इस टाइम आपके डीएम आपको बिल्कुल मिरर करेंगे, ठीक है। तो अपनी एनर्जी पे चेक रखना, और वो आपके लिए इस टाइम बहुत पॉजिटिव है। तो अपने थॉट पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो एनर्जी को स्विच होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है। और इस टाइम टेलीपैथी बहुत ज़्यादा चल रही है, और डीएम डीएफ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलाइन है। तो अपने थॉट, अपने दिमाग और अपने दिल में अच्छे से बैलेंस बना के रखना है, वही आपके डीएम आपको मिरर करेंगे। डीएम चाहते हैं कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ था वो फिर से ना हो। बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, केयर की जो एनर्जी है, जैसे आप सोचते हैं ना कि उसको कुछ हो ना जाए, ठीक है, उसके बारे में कि कहीं उसे लग ना जाए, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, इसी तरह से आपके डीएम आपके बारे में सोच रहे हैं। जो भी पास्ट में हुआ था, जो भी उन्होंने किया था, वो नहीं चाहते कि दोबारा आप दोनों के कनेक्शन में वही एनर्जी आए। इसके लिए उनको फियर भी हो रहा है कि मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूं, ठीक है। डीएम आपको सोशल मीडिया से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पूछताछ हो रही है आपके बारे में। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसके ज़रिए वो आपको देख रहे हैं, ठीक है। वो आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांग इमोशन है डीएम के आपके लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इमोशनल एनर्जी है डिवाइन मस्कुलिन की, स्पेशली फेमिनाइन के लिए इस वक्त, ठीक है। आपको याद कर रहे हैं आपकी हर बात जो पास्ट में आपने उनके लिए कही थी या करी थी, वो उन्हें याद आ रही है। क्योंकि जो हीलिंग आपने उन्हें पास्ट में दी है, जैसे आपका बबल फेस था, वहाँ पे जो आपने उनको मेंटली हीलिंग दी है, फिज़िकली हीलिंग दी है, और कई बार तो फेमिनाइन ने फाइनेंशियली भर भर के उनको हीलिंग दी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही है। आपने उन्हें जो दिया था वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला, उन्होंने बहुत ट्राई किया, उन्होंने इसीलिए थर्ड पार्टी को भी चूज़ करा था, लेकिन उनको वो वाली फीलिंग या हीलिंग कहीं नहीं मिली।
और उसी का नतीजा ये है कि इस टाइम डीएम के लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे फेमिनाइन का होता है वैसे ही डीएम का होता है, कुछ भी हो उनके लाइफ में या ना हो, हीलिंग उनको सिर्फ़ और सिर्फ उनके काउंटर पार्ट से ही मिलती है। ठीक है, बहुत सारे डीएम इस फुल मून पर आएंगे, आपका और आपके डीएम का यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये फुल मून आप दोनों को करीब लाएगा। ठीक है, इसकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, चाहे जो भी है, जो भी लाइफ में स्ट्रगल है या जो भी कंफ्यूजन है वो हट जाएगा, क्योंकि चैलेंज आएंगे लेकिन क्लियर भी होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके डीएम आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे जो हो, लेकिन मैस्कुलिन हमेशा डीएम को ही चूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे डीएम बैलेंस है वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी बैलेंस हो चुके हैं, मतलब आप पर डिपेंड है कि फेमिनिन ने कैसा काम किया है। अगर आप ही इम्बैलेंस है तो जाहिर सी बात है कि आपके डीएम को भी टाइम लगेगा आने के लिए, लेकिन अगर आप बैलेंस है, अगर आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, आपने अपने सोल बॉडी माइंड को अलाइन कर लिया है, आपका इनर यूनियन हो चुका है, आप डिवाइन से यूनाइटेड है, आप अपने आप पर फोकस है, तो बिल्कुल नो डाउट इस टाइम आपके डीएम आएंगे इस फुल मून पर और आप दोनों का यूनियन भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके डीएम की एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांग है कि वो मिलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन बहुत सारे डीएम डीएफ में आ रहा है, कम्युनिकेशन की स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन अभी फ़िलहाल शुरू हो चुका है या तो ये फुल मून के आसपास शुरू हो जाएगा। डीएम और डीएफ जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत पॉजिटिव होगा, एक दूसरे को ट्रिगर भी होगा, लेकिन ट्रिगर के बाद तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा, आपको अवेयरनेस आ जाएंगी कि आपको उससे क्या लेना है। अदरवाइज़ आपका जो कन्वर्सेशन रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। एक पॉजिटिव चेंज आप दोनों के कनेक्शन में आ रहा है, ट्विन फ्लेम। ठीक है, डीएम की एनर्जी बार बार डीएफ के साथ कनेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 11-11 दिख रहा है, 9-6-6-9-6, इस तरह की सिंक्रोनिसिटी बहुत हो रही है। इस कनेक्शन को भी वो फील कर रहे हैं, जैसे आप इमोशनली इसको फील करते हैं, तो इस टाइम डीएम का हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, डीएम भी इस कनेक्शन से कनेक्ट हो रहे हैं। जो डीएम प्लेयर की एनर्जी में थे अब वो निकल चुके हैं, जो डीएम ईगो में थे वो भी निकल चुके हैं, और एक पॉजिटिव चेंज उनके अंदर आया है। उन्होंने अपने कमियों को देखा है, उन्होंने अपने कमियों को जाना है, जैसे जो डीएम कभी भी अपने अंदर देखने की कोशिश नहीं करते, इस टाइम बहुत सारे डीएम अपने कमी को, अपनी गलती को देख रहे हैं, पास्ट में जो उन्होंने किया उसको भी देख रहे हैं। मतलब ये सारा का सारा मिरर का खेल है, हमारे फेमिनाइन जितने बैलेंस हैं उतने ही उनके डीएम भी बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि आपके चक्रा और उनके चक्रा सेम होते हैं, जैसा आप अपने ऊपर काम करती है अपने आप उनके चक्रा भी हील होने लगते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है डिवाइन मस्कुलाइन की, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपके डीएम काफ़ी हद तक अब स्टेबल हो चुके हैं, एक तरह का बैलेंस अगर मैं बोलूं कि कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के अंदर आ रहा है, कलेक्टिव में एक बैलेंस की एनर्जी है। ठीक है, जब फेमिनाइन चाहती है कि डिवाइन मस्कुलाइन उनके इमोशन को समझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलते हैं ना, तो इस टाइम डीएम का जो है वो हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है और बहुत सारे डीएम का हो रहा है, तो जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो वो थोड़े इमोशनल भी होते हैं, और जब वो इमोशनल होते हैं तो वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं फिर से मतलब वही एनर्जी में तो नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक नायक की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उनको लगता है कि सबका जो भार है मुझ पर है और मैं सबका हीरो हूँ, मैं सबको संभाल सकता हूँ, इस तरह के बहुत सारी बातें उनके अंदर होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है। तो इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन की जो इमोशन है ये फेमिनाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है फेमिनाइन आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर सकती है, आपको आँखों पर हेवीनेस फील हो सकती है, आपका सर में दर्द हो सकता है, एक माइल्ड सा दर्द, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आपके हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है, आपके सोलर में पेन हो सकता है और आपके पैरों में भी पेन हो सकता है, तो समझ जाना कि आपके डीएम आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के साइन अगर आपके साथ होते हैं तो ये करंट एनर्जी है आपके डीएम की। इस टाइम डीएम की एनर्जी बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, बस आपको अपने थॉट पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइम आप दोनों की टेलीपैथी बहुत क्लियरली हो रही है, जैसे आप
एक दूसरे को इतना परफेक्ट मिरर कर रहे हैं कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वही रिफ्लेक्शन आपको आपके डीएम में दिखेगा। तो यही थी एनर्जी और फुल मून। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल मून है, बेहद ज़रूरी है। इस पर मैं डिटेल वीडियो कल डालूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।